इस बार गणेश चतुर्थी और गणपति उत्सव की शुरुआत 7 सितंबर 2024 से हो रही है। इस पर्व की धूम सबसे अधिक महाराष्ट्र में होती है। ऐसी श्रृंखला में नागपुर शहर में भी गणेश उत्सव की तैयारी जोरों शोरों पर है। आज हम जानेंगे बीते 63 वर्षों की परंपरा वाला धर्मपेट सार्वजनिक गणेश उत्सव के बारे में। आपको बता दें कि शहर के सुप्रसिद्ध एवं कई सालों की परंपरा वाले धर्मपेट सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल का ये 64वां साल है। बीते 63 साल से यह गणेश उत्सव बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। इसी श्रृंखला में इस साल भी गणेश उत्सव की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। पंडाल बनके तैयार है, हर बार विविध तरह की प्रतिकृति यहां तैयार की जाती है। इस बार भी अनोखी थीम को चुनते हुए इंडोनेशिया के गणपति की मूर्ति की तरह बापा की मूर्ति बनवाई गई है, जो 14 फीट ऊंची होने के साथ साथ 2 फुट का मुकुट है और हर बार की तरह मूर्ति के आगमन पर ढोल नगाड़ों से स्वागत किया जाएगा। इसी के साथ ही हर साल सामाजिक संदेश भी इस मंडल की ओर से दिया जाता है। इस बार भी इस पंडाल से एकता का संदेश दिया जाएगा, जिसके संदर्भ में अधिक जानकारी साझा की है सुनील हिरनवार इनके द्वारा। आइए डालते एक नजर। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और नागपुर शहर में हम बात करें तो नागपुर शहर में कई ऐसे गणेशोत्सव मंडल है जो काफ़ी पुराने हैं और उन्हीं में से एक है धर्मपेट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल, जो जिनका ये साल जो है 64वां साल है। और इस बार भी कई तरीके के अलग अलग थीम के और सामाजिक संदेश देते हुए यहाँ पे जो है गणेशोत्सव मंडल जो है हर बार गणपति उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाता है। इस बार क्या थीम है, किस तरह की मूर्ति रहने वाली, ये सब जानेंगे हम यहाँ के जो नगर सेवक है उनसे, सुनील हिरनवार इनसे। सर क्या बताओगे, आपकी ओर से हर साल इसका आयोजन किया जाता है, बड़े ही धूमधाम से ये आयोजन होता है और बहुत पुरानी इसको परंपरा है यहाँ की, क्या बताओगे किस इस बार किस तरह का आयोजन है? नमस्कार, मैं सुनील हिरनवार। धर्मपेट झंडा चौक में जो गणेश उत्सव का पर्व मनाया जाता है, ये इस बार 64वां वर्ष है। इंडोनेशिया के जो गणपति है उसकी थीम के आधार पर यहाँ पर गणपति स्थापना की जा रही है और प्रति वर्षानुसार हमारे गणपति का जो आगमन होता है भव्य दिव्य तरीके से आता है। सब लोगों का, यहाँ के स्थानीय नागरिक, व्यापारी, जनताओं का साथ, नागरिकों का साथ, सहयोग मिलता है। उसी प्रकार यहाँ पे 10 दिन जो उत्सव मनाया जाता है, उस उत्सव में सभी धर्म, सभी जाति के लोग सहभागी होते हैं तन मन धन से, और कार्यकर्ता बड़े उत्साह से इस आयोजन में शामिल होते हैं। और हम लोग एक धार्मिक, एक सामाजिक और धार्मिक उत्सव को आपस में भाईचारे के रूप से मनाते हैं। प्रति वर्षानुसार इस बार भी सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है और आप भव्यता मंडप की देख सकते हैं। और यहाँ पे डेकोरेशन मंडप जो है, यहाँ पे 5 गणपति बैठते हैं। यहाँ पे एक हब बन गया है गणपति के दर्शन के लिए। यहाँ पे लोग जो आते हैं, विदर्भ से लोग आते हैं और ये हमारा जो मंडल है विदर्भ के टॉप 10 में आने वाला गणपति, जो पिछले 64 वर्षों से यहाँ पे स्थापना की जा रही है। सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से इसको भव्यता को टिका के रखने में जो सभी लोग ने सहयोग दिया है, यहाँ के व्यापारियों का, यहाँ के नागरिकों का, यहाँ के सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उनके सहयोग के बिना ये इतना बड़ा कार्यक्रम करना असंभव है। लेकिन भगवान का भी आशीर्वाद है, इस कार्यक्रम को हमने बरकरार रखा है और आगे भी बरकरार रखेंगे। नागरिकों का जनसहभाग जरूरी है। इस बार जो मूर्ति की आपने बताई, कौन सी मूर्ति होने वाली है, किस तरह की थीम होने वाली है, क्या मंडप जो है या डेकोरेशन वो किस तरह का होने वाला है और साथ ही कितने फीट की ये मूर्ति है? मूर्ति हमारी 14 फुट की है, 2 फुट का मुकुट है और हमारा इतनी हेवी मूर्ति है। इंडोनेशिया में जो गणपति की स्थापना होती है वहाँ पे जो मूर्ति है उसी पैटर्न पे यहाँ पे हम लोग ने स्थापना की है। और सामने थोड़ा सा एक सामाजिक सौहार्द निर्माण करने के लिए सामूहिक आरती, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई, सभी धर्म जाति के लोगों को बुला के एक सामूहिक आरती का भी समय लिया गया है। लेकिन लोगों का समय एक साथ नहीं मिल रहा है, वो समय आएगा तो हम लोग आपको बताएंगे, क्योंकि एक भव्य आरती सामूहिक रूप से हम लोग लेने हैं। सर्वधर्म समभाव आरती, एक आपस में भाईचारे का वातावरण निर्माण हो, वो दृष्टिकोण से हम लोग मंडल को चला रहे हैं और सभी जाति धर्म के लोग हमारे इस मंडल में। हर बार जो है आपकी गणपति की एंट्री भी होती है, वो अलग तरीके से की जाती है, इस बार किस तरह से एंट्री होने वाली है? इस बार भी हम कल 11 बजे, एक दिन पहले, हम गणपति की स्थापना करने के पहले एक दिन पहले उनका लाते और भव्य तरीके से उनका आगमन होता है। ढोल, ताशे, बाजे, नगाड़े, फटाके के साथ में और भव्य रैली के स्वरूप में चितारोली से प्रतिमा का आगमन होगा और यहाँ स्वागत होता है और बहुत भव्य दिव्य तरीके से लाते हैं। हम देखते हैं कि 10 दिन विविध कार्यक्रम यहाँ होते हैं, बड़ी बड़ी हस्तियाँ यहाँ आती है दर्शन के लिए, इस बार कौन कौन आने वाला है और क्या कार्यक्रम होने वाला?
यहाँ पे मूर्ति के लिए हमारे माजी उप मुख्यमंत्री अभी उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस आते हैं, केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी साहब आते हैं, कलेक्टर साहब आते हैं, कमिश्नर साहब आते हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि आते हैं, सभी पार्टी के आके स्थानीय आमदार विकास ठाकरे भी आते हैं और जो जो जनप्रतिनिधि है जो सोशल काम करते हैं, हमारे माजी राज्यसभा सदस्य अजय संचेती भी हर साल प्रतिवर्ष उनका बहुत बड़ा योगदान अजय संचेती जी का रहता है, वो प्रतिवर्ष यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे दर्डा जी जो लोकपत के संपादक है विजय जी दर्डा वो भी आते हैं, यानी सभी लोग यहाँ पे निमंत्रित रहते हैं। हम 200 लोगों को बुलाते हैं, प्रतिदिन सुबह 3 लोगों के द्वारा आरती की जाती है और शाम को 3 परिवार को उनके साथ में बुला करके उनसे आरती कराई जाती है और हमारा विधिवत पंडित पूजा करता है। तो हमने देखा कि जो 64 वर्ष पुराना गणेशोत्सव मंडल है वहाँ जो है इस बार बड़े ही धूमधाम से गणेशोत्सव मनाया जाने वाला है। पूरे 10 दिनों तक यहाँ विविध कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, मूर्ति की भव्यता भी बताई गई है और ये आयोजन जो है 10 दिनों के लिए होगा और गणेश जो उत्सव है ये बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।